Today, the new topic is cell, the fundamental unit of life. तो सेल सेल जब आप बोलते हैं ये बायोलॉजी वाला सेल है. सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? इट द नेम इज रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665 है. तो उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया था? ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं होते थे. 1665 काफी पहले का टाइम है. तो उन्होंने अपना डिजाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें ही ऑब्जर्व द सेल ऑफ कॉर्क. कॉर्क कहाँ से मिली उनको? बार्क ऑफ द ट्री के सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया. और एंड ही सॉ सम हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट. तो जब उन्होंने वो सेल को स्टडी किया तो ये है रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप जो उन्होंने उस टाइम 1665 में यूज किया था. रॉबर्ट हुक का बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप का माइक्रोस्कोप है, बट दीज डेज वी यूज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप. तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क इसको स्टडी किया था. दैट कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री. और जब उन्होंने अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में उसको देखा तो ही सॉ दीज हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स. उनको कंपार्टमेंट टाइप की चीजें दिखी. उसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल. क्लियर हो गया? तो सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. दैट मीन्स एक लिविंग बॉडी अपनी अपनी लाइफ जो है एक सेल से, सिंगल सेल से स्टार्ट करती है. ठीक है, जैसे आप हो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स द लाइफ विद अ सिंगल सेल. और उस जैसे ह्यूमन बॉडी है, अमीबा. अमीबा ह्यूमन बॉडी नहीं है. ह्यूमन बॉडी, यू ऑल आर ह्यूमन. ह्यूमन एंड अमीबा आर डिफरेंट है ना. अभी हम पढ़ेंगे आगे. तो ह्यूमन बॉडी जो है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल. उस सिंगल सेल का नाम क्या है? नो वन नोज. यस अमन. यस मैम. ह्यूमन बॉडी स्टार्ट्स द लाइफ विद अ सिंगल सेल. और उस फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है? यूनिसेलुलर सेल. ह्यूमन बॉडी आर नॉट यूनिसेलुलर मैम, मल्टी सेलुलर होता है. ह्यूमन बॉडी मल्टीसेलुलर. ह्यूमंस आर मल्टीसेलुलर. तो ह्यूमन की लाइफ सेल से स्टार्ट होती है, मैं ये बोल रही हूँ. Yes, ma'am. No one knows. पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट होता है, that was the first cell. ठीक है, that is the first cell. फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा ना 8th क्लास में. मैम उसके बाद एम्ब्रॉय बनता है. जायगोट बनता है, वो आपका पहला सेल है. जायगोट फर्दर डिवाइड होके एम्ब्रॉयो बनता है. एम्ब्रॉयो के बाद फीटस होता है. फीटस ग्रोज इनटू द बेबी. तो जो पहला सेल है ह्यूमन जिससे स्टार्ट होता है वो क्या है? जायगोट है. क्लियर हो गया? यस मैम. अमीबा एंड पैरामीशियम आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मतलब ये अमीबा नहीं है, दिस इज पैरामीशियम. ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज पैरामीशियम. तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ईच ऑर्गेनिज्म हैव, वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू टाइप्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनकी लाइफ का पूरा फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म करती है. ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इसका एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सब. ठीक है, ये है यूनिसेल्युलर. मतलब इनके बॉडी में एक ही सेल होती है जो सारा काम करती है. मतलब न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ वही करती है. ठीक है, तो ये होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. Then we have multicellular. मतलब इनकी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी होती है. सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. सूरज देव जी म्यूट कर सकते हैं. ओके, किसी को कुछ पूछना है अभी तक? नो क्वेश्चंस? नो मैम. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं, लाइक नर्व सेल, फैट सेल, बोन सेल, ब्लड सेल एक्सेट्रा. ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसको फिलहाल नहीं. तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. जैसे आप एक घर बनाना शुरू करते हैं तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? ब्रिक. वही है, जैसे एक एक ईंट जोड़ के आप एक घर बनाते हैं, वैसे एक एक सेल जोड़ के
एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो लार्जेस्ट सेल है, ऑस्ट्रिच एग। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, किसी ने भी पूछा, वो अच्छी बात है पूछना। और सबसे छोटा एमएमपी ह्यूमन बॉडी में ये ह्यूमन सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। हाँ बताओ कौन सा ह्यूमन बॉडी की पीपीएल पीपीएल वो तो माइकोप्लाज्मा लाइक वो तो स्मॉलेस्ट सेल है वो तो ह्यूमन बॉडी में सेल ह्यूमन बॉडी में स्ट्रांग सेल रोहित यादव अमन रावत क्या बोल रहे हैं अमन रावत ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल क्या है नर्व सेल नर्व सेल सेल ओके तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेरे पास मैम पिक्चर पे है मैम नोटबुक निकाल के ड्रॉ करना शुरू करो जल्दी फटाफट हमारे पास पिक्चर भी है मैम तो ड्रॉ नहीं करोगे वैसे तो ड्रॉ करते नहीं कभी क्लास में ही कर लो ना फटाफट दिस इज द सिंपल एनिमल सेल आप उसमें एक आउटर कवरिंग बनाओ बुक से देख के भी बना सकते हो जिसके पास बुक है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज एनिमल सेल अभी हम पढ़ेंगे प्लांट सेल क्या होती है एनिमल सेल क्या होती है राइट डाउन दिस इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख लिया बीच में एक सेंट्रल पोर्शन बनाना है आपको उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर और एक छोटा सा गोला बनाना है दैट इज न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर आपको बनाना है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल क्या क्या काम है क्रोमेटिन मटेरियल का कोई बताएगा मुझे यस एनीवन क्रोमेटिन थ्रेड्स का क्या काम है मैम ये क्रोमोसोम बनाता है क्रोमोसोम से जीन बनते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है मतलब सिंगल सेल से डिवाइड होके मल्टी सेल्स बनती है सेल डिवीजन के टाइम ये सारे थ्रेड्स ज्वाइन होके क्रोमोसोम बनाते हैं और क्रोमोसोम का क्या काम है लक्ष्य क्रोमोसोम में होते हैं जीन्स हाँ बोलो जीन बनाते हैं लिपिड और प्रोटीन मैम सिंथेसिस लिपिड एंड प्रोटीन क्या मैम जीन बनाते हैं मैम क्रोमेटिन मटेरियल बनाते हैं क्रोमोसोम बनाते हैं जीन क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं और जीन्स का काम क्या है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर करना न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्लांट और एनिमल सेल के हाँ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आप देखो न्यूक्लियस से लगे हुए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर है बहुत सारा बहुत लंबा चौड़ा ठीक है इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो न्यूक्लियस से लगा हुआ है दैट ट्रांसफर्स द मटीरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लो सब लोग और ये दो टाइप का होता है यस रोहित यादव मैम एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं ठीक है फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनेल डिटेल में पढ़ेंगे उसके अलावा ये है माइटोकॉन्ड्रिया स्टोरेज का मैम स्टोरेज ऑफ फूड प्रोटीन मैम उसका काम है कि स्टोर करके और जहाँ जरूरत हो वहाँ पे भेजने इसका काम है स्टोरेज पैकेजिंग स्टोरेज और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय ईआर काम करती है उसको वो स्टोरेज और ट्रांसफर का काम क्या है गोल्गी बॉडी का काम है मतलब बॉडी का हाँ गोल्गी अपैरेटस भी कहा अपैरेटस यस मैम गोल्गी अपैरेटस मैम उसे मैम पोस्टमैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है बिल्कुल सही नेक्स्ट है
सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, हर एक चीज के बारे में जो भी आपने पढ़ा उसको डिटेल में पढ़ना है. तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट इज सिलेक्टेड. मैं अभी बता रही हूँ, जब मैं आई एम डन आई विल आस्क यू व्हाट एवर आई हैव टू आस्क, तब आप बोल सकते हो, बीच में आप डिस्टर्ब मत करो. ठीक है, इट इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इट इज मेड अप ऑफ proteins and lipids. इसको नोट कर लो, इट इज मेड अप phospholipids and phosphoproteins, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है. एंड इट इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम पार्टिकल्स ओनली, नॉट ऑल. देन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, टू प्रोसेसेस आर देयर दैट टेक प्लेस थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो जहां पर भी गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वहां से आपका ट्रांसफर कहाँ होगा, वहां पर होगा जहां पर. तो ये डिफ्यूजन इन गैसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू The region of lower concentration. Then comes osmosis. में क्या होता है, water molecules का transfer होता है from the region of higher concentration to the region of lower concentration through semi-permeable membrane. तो water का concentration जहां पर ज्यादा है, आप देख लो यहाँ पर ज्यादा है, इस area में water is more than the sugar. तो water का transfer होगा from this end through semi-permeable membrane. This is called the osmosis. ठीक है, ऑस्मोसिक टर्म आपको खाली वाटर के ट्रांसफर में ही यूज करना है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, यू कैन गो थ्रू. मैम एक क्वेश्चन है, मैम बोलो. मैम जो वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किससे बनी होती है? मैंने बताया अभी, सुना नहीं ध्यान से. लिपिड एंड प्रोटीन. लिपिड एंड प्रोटीन. मैम आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी मैम. हाँ, तो आपके एंड पे, हाँ देखो रोहित यादव बता रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. आयुष को कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके, नेक्स्ट है, इफ यू कीप द सेल्स इन डिफरेंट टाइप इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देन हाउ विल सेल बिहेव. इसके बेसिस पे आपको पढ़ना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब सेल को आपने ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के कॉन्सेंट्रेशन से कम है. ठीक है, अब देखो ये दिस इज द सेल और ये है बाहर, उसको सॉल्यूशन में रखा है. सेल के अंदर 20% सॉल्ट है और बाहर है 10% सॉल्ट, मतलब 90% वाटर. तो वाटर विल मूव फ्रॉम वेयर, चलो आयुष बताओ क्या होगा सेल का. इफ अ सेल विच इज कंटेनिंग 20% सॉल्ट इज केप्ट इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% सॉल्ट, तो कहां वाटर का मूवमेंट होगा? आयुष हम क्या बोला आपने? मैंने बोला एक सेल है, ये सेल है, ये जो अंदर सर्कल दिख रहा है ये सेल है, सेल के अंदर है 20% सॉल्ट. हाँ क्लियर है आयुष? और उसको मैंने एक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जिसमें है 10% सॉल्ट, तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा और क्या होगा? यस आयुष. मैम वो सेल ब्रस्ट हो जाएगा. सेल क्या हो जाएगा? मैम फट जाएगी. फट जाएगा, नहीं फटेगी, डेस्ट्रॉय फटेगी. चलो रोहित बताओ. कैन आई रोहित कैन आई रोहित यादव. मैम जो होता है ना मैम, सेल में ज्यादा पानी आ जाएगा और नमक का मैम कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा. हाँ, सेल में पानी ज्यादा आ जाएगा एंड सेल विल स्वेल अप. क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस दैट टेक्स प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन. सो इफ यू कीप द सेल इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका की कंसंट्रेशन कम है, तो सेल विल स्वेल अप. नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखेंगे तो क्या होगा? आयुष, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेल को आपने सॉल्यूशन में रखा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है. मैम सेल सेम साइज करेगा. हाँ, उसमें वाटर सेल विल स्टे इन द सेम. मैम और उसमें वाटर का मूवमेंट नहीं होगा मैम.
नहीं होगा या yes, दोनों तरफ मूवमेंट बराबर होगा ना? यस मैम, यस मैम इक्वल होगा। नेक्स्ट है, इफ द सेल इज प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तब क्या होगा? सेल श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो श्रिंक हो जाएगा, मूव आउट ऑफ द सेल। तो एक टर्म होता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस इज द फिनोमेना इन विच अ प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड व्हेन इट लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो, जब वो वाटर लूज करती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली। आप लिख लो, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। Yes, ma'am. And it provides ma'am. mechanical strength to the cell. It ma'am. is the hard covering outside the cell, outside the plasma membrane, and it protects the cell. Ma'am, एक cytolysis भी होती है। It is made up. It is made up of cellulose in plant. Yes, next ma'am. है nucleus. Nucleus is the most important cell organelle in the body of any living organism. तो न्यूक्लियस के ऊपर हमेशा डबल मेम्ब्रेन होती है। राइट डाउन, न्यूक्लियस इज कवर्ड विथ अ डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। और कौन कौन से ऑर्गेनेल में डबल मेम्ब्रेन होती है, कोई बताएगा? मैं बताता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और मैम राइबोसोम। मैम राइबोसोम जो मैम राइबोसोम इज मैम राइबोसोम नॉट नो गलत है मैम बताता हूँ मैम याद था ये थोड़ा दूर हो गई बट ये दोनों लेयर थोड़ी पास पास होती हैं। ठीक है, डबल लेयर बोलो जल्दी। एक हाँ, मैम प्लांट सेल। मैम प्लांट में गोल मैम प्लांट सेल में होता है। हाँ, किस में? प्लांट के अंदर कौन से ऑर्गेनेल में होता है? मैम बताता हूँ, मैम बताता हूँ, मैम बल्ब्स। मैम क्लोरोप्लास्ट। मैम क्लोरोप्लास्ट और ये डबल मेम्ब्रेन होती है और इसमें मैंने नहीं पूछा अभी, ये इसमें होते हैं पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, और वह इसमें होते हैं क्रोमोजोम जो हमने पहले डिस्कस कर लिए, that are visible only when the cell is about to divide. और क्रोमोसोम में होते हैं जीन्स। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी मटीरियल फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर। क्लियर हो गया? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डबल मेम्ब्रेन और that's it. नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म उसको हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? रोहित यादव। न्यूक्लियस मैम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द नो इट इज द लिक्विड और मटेरियल दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लस साइटोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल सही, किसने? लक्ष्य ने बोला है। और ये क्वेश्चन बहुत ही आता है, अक्सर आता है कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ओके, साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक मटेरियल इनसाइड द सेल और इसमें क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स विच वी नीड टू स्टडी इन डिटेल। तो पहला है हमारा ईआर। दो टाइप की होती, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर को रफ ईआर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैम इसके जो सरफेस पर राइबोसोम रहते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ ईआर का काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। रफ ईआर का काम क्या है? प्रोटीन। और मैम स्मूथ का लिपिड। सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ ईआर। वेरी गुड। नेक्स्ट है गोल्गी अपैरेटस एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज कैमेलियो गोल्गी।
और दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और इनका काम क्या है द मटीरियल सिंथेसाइज नियर ईआर इज पैकेज्ड डिस्पैच्ड एंड टू वेरियस टारगेट्स बाय गॉल्गी एपरेटस और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम लाइसोसोम को के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है देन नेक्स्ट है लाइसोसोम Lysosome are called as suicide bag of the cell. Yes, ma'am. मैं वो अपने ही सेल को ब्रश करता हूँ। सेल को खाया था। कोई सेल जो कि आप अगर डैमेज हो गई है और उसका काम नहीं है तो क्या होता है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होती हुई। Yes, ma'am. तो वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अपने सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। That is why they are called as the suicide bag. Suicide bag. Suicide bag of the cell. Okay. मैम उस लिक्विड का नाम क्या है मैम एंड दे आर टिश्यू डाइजेस्टिव आल्सो नेक्स्ट है मैम हां मैम वो लिक्विड का नाम क्या है कौन से मॉलिक्यूल मैम एंजाइम का जो मैम अपने ही सेल को मैम वो अभी जब हम करेंगे ना मल्टीपल चॉइस तो उसमें कई बार आएगा तब देखते हैं आपको कितना आता है नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है आप देख लो ये भी है डबल मेंब्रेन पावर जनरेट करता है एटीपी जनरेट नहीं करता है कौन बोल रहा पावर जनरेट करता है इसका अपना मैम एटीपी होता है डीएनए भी अपना होता है स्टोर करता है पावर को जनरेट नहीं करता जनरेट मतलब एक मिनट सेल को पावर मतलब एनर्जी कहाँ से मिलती है बाय विच प्रोसेस रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन एनर्जी बनी वो उसको यहाँ पे स्टोर कर लेता तो ये देख सकते हो आप इसकी डबल मेम्ब्रेन है और इसमें होता है अंदर वाली मेम्ब्रेन काफी ज्यादा फोल्डेड होती है ठीक है दिख रहा है ठीक है तो इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स और इस ये डबल मेम्ब्रेन है और प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि इसका अपना कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है जिनका अपना डीएनए एंड राइबोसोम है तो वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है बट माइटोकॉन्ड्रिया का अपना भी होता है वो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया और कोई और एक ऑर्गेनेल है जिसका अपना राइबोसोम होता है वो कौन सा बताओ प्लास्टिड तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर टू स्पेशल ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स क्या होते हैं चलो कोई अनंत तोमर प्लास्टिक प्लास्टिड के बारे में काफी कुछ बता रहे थे चलो अनंत बताओ मैम मैं बताऊं अनंत तोमर बोल रहा था मैंने उसको रोक दिया हाँ प्लास्टिड हाँ कलर्ड बॉडी देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट द प्लास्टिड व्हिच हैव ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट मैम ल्यूकोप्लास्ट है मैम ल्यूकोप्लास्ट हैव डिफरेंट कलर मैम ग्रीन को छोड़ के मैम ल्यूकोप्लास्ट को मैम सारे कलर होते हैं मैम जी नहीं बिल्कुल गलत मैम गलत है अनंत तो ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस मैं बताऊं मैं बताऊं एक मिनट रोहित यादव वेट हां एंड क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं मैम वो स्टार्च क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर मैम क्लोरोप्लास्ट मैम ग्रीन कलर के होते हैं मैम बता दो क्रोमोप्लास्ट मैम क्रोमोप्लास्ट मैम क्लोरोप्लास्ट मैम डिफरेंट कलर के होते हैं मैम मैम ग्रीन अनंत को ग्रीन कलर में अनंत तोमर स्टॉप हाँ रोहित यादव एक बार फाइनल बता दो चलो मैम प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट सेल है मैम वो तीन टाइप के होते हैं क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिक होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है लिकोप्लास्ट होता है
कलरलेस होता है, उसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट होता है मेमो, भी कलरलेस कलरफुल प्लास्टिड होता है मेमो, जैसे रेड मेमो येलो ये सब जो भी कलर है वो मतलब उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। ओके, और इसका इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। चलो नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा साइज का होता है, एनिमल सेल में छोटा साइज का होता है। मैम इसका काम है, मैम इसका काम है पानी स्टोर। इसकी वजह से मैम जो प्लांट सेल है, वेट लेट रोहित यादव स्पीक। एक मिनट रोहित यादव कुछ बता रहे हैं, बोलो रोहित। मैम वो प्लांट में पाया जाता है मैम, उसका साइज मैम गोला नहीं होता है, कुछ अलग टाइप का होता है। एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। एक मिनट, दोनों में होता है, प्लांट में बड़े साइज का होता है। यस मैम, काफी बड़ा साइज है मैम, उसका काम एनिमल में छोटे छोटे होते हैं। मैम पानी को स्टोर करना मैम उसका काम है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी को स्टोर करना। नॉट ओनली पानी नहीं है, वैक्यूल्स अमीनो एसिड शुगर एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन। तो पानी नहीं है, और वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड द सेल सैप। लिख लो, द फ्लूइड दैट इज कंटेन्ड इनसाइड द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप, and that provides turgidity and rigidity to the cell. और जो वैक्यूल की आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। लिख लो TONOPLAST। and they store amino acids, sugar and various organic acids, and they play an important role in expelling excess of water and some waste from the cell. नेक्स्ट है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। वैक्यूल्स दोनों में होती है लेकिन प्लांट सेल में बड़ी साइज का होता है और एनिमल सेल में छोटे साइज का। एनिमल सेल में छोटा होता है। बहुत सही मैम, प्लांट सेल में मैम न्यूक्लियस वन साइड में प्रेजेंट होता है मैम। हाँ, क्योंकि वैक्यूल का साइज बड़ा हो जाता है ना, तो वो न्यूक्लियस एक साइड में हो जाता है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज वैक्यूल। क्लियर है, इसलिए वो एक साइड मैम प्लांट सेल में रहता है। मैम प्लांट मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम प्लांट सेल में मैम प्लास्टिड, प्लांट सेल में मैम प्लास्टिड होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। मैम प्लांट सेल में होते नहीं है और मैम एनिमल सेल में होते हैं। मैम गोल की बॉडी मैम प्लांट सेल में मैम बहुत सारी होती है, मैम एनिमल सेल में सिर्फ वन होती है। मैम देख के तो नहीं, मैम वैक्यूल मैम प्लांट सेल में मैम वन और टू लार्ज वैक्यूल होते हैं मैम, एब्सेंट मैम एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं और कम होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।